जन तू तक हमारी भाग्य हमारी भाग्य नगम निगम नगम निगम नगम निगम नगम निगम श्री राम चंद्र तुम तक हमारी भाग्य हमारी भाग्य नरेंद्र मोदी मोदी श्री राम चंद्र तुम तक कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने हैं। महादेव नगर 30 नंबर वार्ड में मैं खुद देख के आया हूँ, इतना पानी भरा हुआ है कि हमारे भाई लोग बच्चे छोटे छोटे बच्चे जानवरों से गूंज रहे हैं। वहाँ सांप बिच्छू हर चीज का डर है, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे, वहाँ का पार्षद सुन नहीं रहे। अनीता पटेल को दिया तो भी उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, क्यों कि हमारे भाई लोग गरीब लोगों की कोई सुविधा नहीं। जब गवर्नमेंट ने इन्हें बजट पास कर दिया उसके बाद भी इन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया। अगर काम स्टार्ट अगर महीने भर में नहीं हुआ तो श्री राम सेना के सभी पदाधिकारी उग्र आंदोलन करेंगे और यह धरने पर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और जब तक काम मैं चाहता हूँ इन गरीबों की मांगे पूरी हो, हर सड़कें बने नाले बने रोड थम्बे लगने चाहिए लाइट। आज हमने यहाँ कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और मोदी के नाम से हमने नारेबाजी भी करे, मोदी सरकार हमें रोडें बनाओ। मोदी सरकार ने खुला बोला कि हर गांव गांव हर एरियो में रोडें बनेगी, पर आज तक अजमेर में कई वार्डों में काम नहीं हो रहा है, ये सरकार सुन नहीं रही है। श्री राम सेना हिंदुस्तान राष्ट्रीय परिवारिक देवीला सोनी अजमेर कर रही है। वहाँ के जब भी हम पार्षद के पास जाते यही बात बोलता, भाई तुमने डूब छत्र मकान क्यों बनाया, डूब छत्र मकान क्यों बनाया, तब जाएगा। हम रोड के लिए आए, यहाँ पे हमारे रोड पे पूरा पानी पानी हो रखा है। ये गड्डी मालियन सामुदायिक भवन के पीछे महादेव कॉलोनी पार्षद वगैरह कोई शिकायत वगैरह करी, पार्षद के पास जाके आ गए, नगर निगम जाके आ गए, 5 साल से जा ही रहे पार्षद के पास, तो 5 साल हो गए हम करे। यही बोलते हैं डूब क्षेत्र है, वहाँ बंदा सा बनेगा, आपने मकान क्यों बनाया वहाँ पे। और इस बार तो नगर निगम गया हमारे साथ पार्षद। आज किससे मिलना है? आज हम यहाँ कलेक्टर महोदय से मिलने आए, कलेक्टर महोदय से मिलने आए आज हम यहाँ पे, ताकि हमारे रोड के लिए। मेरा नाम है सुनीता सैनी, भाई बॉब गणेश राम माली से सामुदायिक भवन के पीछे। यहाँ पर तकरीबन बरसात बंद हुए इतने दिन हुए लेकिन 4 फीट पानी अभी भी भरा हुआ है। हमने सबसे निवेदन किया है कि कोई इसका सॉल आउट निकाले, लेकिन कोई सॉल आउट नहीं निकाल रहा है। अब हम यहाँ कलेक्टर इसीलिए आए कि यहाँ से शायद कोई सॉल आउट मिल जाए। वहाँ पर मड पंप की हमने कही है कि कोई फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन उसकी भी कोई नहीं मिली अभी तक। मतलब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। जब प्रशासन पब्लिक के लिए कुछ नहीं करेगा तो हम कहाँ जाएँ? पब्लिक ये जो इतने क्षेत्रवासी दिख रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? कोई जॉब पे जा नहीं रहा, कोई 15 दिन घर पे बैठा है, कोई 2 महीने घर पे बैठा है, किसी के राशन पानी नहीं आ रहा। अब हमको प्रशासन तो बताएगा कि हमें करना क्या है। पार्षद के पास गए, पार्षद ने साफ ये कह दिया है कि तुमने गलत जगह पर घर बनाया है। अब हमको कोई ये बताएगा? इसीलिए हम 30 नंबर वार्ड है, नीतू शर्मा वाइफ ऑफ रंजन शर्मा, और वो आते हैं देखने, लेकिन वो ये कहकर जाते हैं कि हमारे हाथ में क्या, आपने गलत हमसे पूछ के घर नहीं बनाया। अब तो अब हम यहाँ ये पूछना, क्या ये प्रशासन हमको मड पंप की सुविधा नहीं दे सकता है क्या, या भर्ती की सुविधा नहीं दे सकता है? सुनीता सिंह, डॉक्टर गोपाल।